तो हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय सुरेश एडिटिंग जून चैनल। तो गाइस यहाँ से गाइस इस बैकग्राउंड को मैं शेयर कर लेता हूँ पिक्सल ऐप में। तो यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ गाइस। और गाइस ये जो हमारा बैकग्राउंड गाइस ये पिक्सल ऐप में ओपन हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से गाइस मैं रिसाइज कर लेता हूँ। तो टूल्स में जाऊँगा और यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इतना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ से गाइस मैं जाऊँगा ड्रॉ टूल में, और गाइस ड्रॉ टूल में आ जाने के बाद गाइस मैं जाऊंगा फोटो में, यहाँ से सॉरी ऐड फोटो में, और यहाँ से फोटो में, और अपने पीएनजी को गाइस यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा पीएनजी ऐड हो चुका है, तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरीके से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। और गाइस मैं जाऊँगा फिर से लेयर वाले पैनल में और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। और फिर से गाइस मैं जाऊंगा फोटो सॉरी ऐड फोटो में और यहाँ से फोटो में। और गाइस ये जो हमारा मॉडल है गाइस ये ऐड हो चुका है, और मैंने मॉडल का बैकग्राउंड को पहले से ही कट आउट करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो उस वीडियो का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ और अपने मॉडल को यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो इतना ठीक रहेगा, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ इतना। और यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ से इसमें जाऊँगा इरेजर में, ठीक है, और यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ एंड यहाँ से इसके हार्डनेस को 0 और यहाँ से सेट, और फिर से इरेजर में और इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कर लेता हूँ डाउन, तो कुछ इतना, और यहाँ से सेट और यहाँ से थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। और फिर से गाइस मैं जाऊंगा इरेजर में और इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं और यहां से सेट, और फिर से इसको इरेज कर लेता हूं कुछ इतना एंड यहां से फिर से इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा करूंगा डाउन गाइस कुछ इतना, और यहां से सेट और फिर से इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, ठीक है, कुछ इतना। और गाइस फिर से बार बार ठीक है निकल रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और फिर से गाइस मैं जाऊँगा लेयर वाले पैनल में और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करता हूँ गाइस। और फिर से गाइस मैं जाऊँगा ऐड फोटो में और यहाँ से फोटो में, और पीएनजी को गाइस यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा पीएनजी ऐड हो चुका है, तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो इतना परफेक्ट रहेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ से डन, और गाइस मैं जाऊँगा फिर से लेयर वाले पैनल में और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर क्रिएट फिर से कर लेता हूँ। और फिर से गाइस मैं जाऊंगा ऐड फोटो में और यहाँ से फोटो में, और ये जो हमारे पीएनजी गाइस ये भी ऐड हो गया है, तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। और फिर से गाइस इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ अपने अकॉर्डिंग, तो इतना परफेक्ट रहेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ से हो गया डन, और इस पिक को मैं सेव कर लेता हूँ इस थ्री डॉट में क्लिक करके, और यहाँ से सेव इमेज कर लेता हूँ और इसको लाइटरूम ऐप में शेयर कर लूँगा कलर करेक्शन करने के लिए। गाइस मैंने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया हूँ एंड गाइस यहाँ से मैं जाऊँगा ऐड फोटो में और अपने मॉडल को यहाँ से गाइस मैं ऐड कर लेता हूँ और फ्रीसर को भी ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ऑल फोटोज में, ठीक है। और हमारा मॉडल तो ऐड हो चुका है एंड फ्रीसर को ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और गाइस फ्रीसर भी ऐड हो चुका है, तो यहाँ से मैं फ्रीसर को ओपन कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ से गाइस मैं जाऊँगा यहाँ से थ्री डॉट में और यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी सेटिंग और यहाँ से डन, और अपने मॉडल को गाइस यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। और गाइस मैं जाऊँगा फिर से इस थ्री डॉट में, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ गाइस और यहाँ से कर लेता हूँ मैं पेज सेटिंग। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है वन क्लिक में एंड कितना ऑसम एडिट हुआ है गाइस। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की एडिटिंग में बस इतना ही। एंड इस पिक को मैं सेव कर लेता हूँ इस शेयर वाले बटन में जाकर एंड यहाँ से सेव टू डिवाइस।